हिमाचल की राजधानी शिमला इन दिनों पानी की किल्लत से जूझ रही है। एक और पानी न मिलने से आक्रोशित लोग विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पानी की गंभीर समस्या को देखते हुए जिले के सभी सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। सभी सरकारी स्कूल 4 से 8 जून तक बंद रहेंगे। ये फैसला हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा शनिवार को किया गया। अब स्कूल दोबारा गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई में होने वाले मानसून ब्रेक के बाद खुलेंगे। बता दें कि पिछले कई दिनों में शिमला के लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। पानी न मिलने से परेशान लोग अब सड़कों पर निकलकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी की समस्या को देखते हुए यहां पानी की आपूर्ति 2.25 करोड़ लीटर प्रतिदिन बढ़ाकर 2.80 करोड़ लीटर प्रतिदिन कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद कई क्षेत्रों में अपर्याप्त जल आपूर्ति की वजह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।